Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Medicals Media. Today I am going to explain topic compare and contrast Sina and Chamomilla baby. It asks in every exam paper for 10 marks. It not only important in second year exams but also in third year exams. For that purpose I have given handwritten notes. So let's start the video. I arrange these topics in two parts. Firstly, I arrange it into the dissimilar points and secondly, I arrange into the similar points. Firstly, let's see dissimilar points. So firstly, the Chamomilla, the common name Metricaria chamomilla, and Sina, common name worm seed. Both are belongs to same family Compositae. Chamomilla, it is the greatest anger and pain remedy. In the Sina, it is a greatest worm remedy. यानी कि चामोमिला जो है वो greatest anger और pain remedy है और Sina जो है वो great worm remedy है. Third point है makeup of the body. Chamomilla suited to the children's of light brown color of hairs. Sina makeup of the body suited to the children's with the dark hair and complexion. Pale face, sickly body, whitish or bluish appearance around the mouth with dark ring around the eyes. Chamomilla ये जो medicine है जो भी children's light brown color के hairs वाले होते हैं उन्हें suit करती है. Sina जो medicine है जो भी children's के dark hair होते हैं और उनका complexion यानी color भी dark होता है उसके साथ साथ उनका फेस पेल होता है वो सिकली बॉडी होती है यानी कि बहुत ही बीमार इंसान की तरह दुबली पतली सी बॉडी होती है और व्हाइटिश और ब्लूइश अपीयरेंस अराउंड द माउथ और व्हाइट और ब्लूइश अपीयरेंस होता है माउथ के अराउंड विथ डार्क रिंग अराउंड द आईज और आईज के अराउंड डार्क रिंग होती है. टेम्परामेंट इरिटेबल एक्साइटेबल एंड नर्वस टेम्परामेंट ये चैमोमिला का है और Sina का है सिर्फ इरिटेबल टेम्परामेंट. फिफ्थ पॉइंट है रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड. हॉट पेशेंट चैमोमिला जो पेशेंट होते हैं थर्मली हॉट पेशेंट होते हैं और Sina में भी एनी यानी कि हॉट भी होंगे या कोल्ड भी होंगे. सिक्स्थ पॉइंट है मायाजम चैमोमिला सोरा इज इन द बैकग्राउंड Sina लेटेंट सोरा इज इन द बैकग्राउंड. चैमोमिला का जो होता है सोरा होता है यानी कि सोरा पूरी स्टेट में आया हुआ होता है डॉर्मेंट स्टेज में होता है और Sina का जो है सोरा लेटेंट स्टेज में होता है यानी कि वो डॉर्मेंट स्टेज में नहीं आया हुआ होता है लेटेंट होता है सप्रेस होता है वो. सेवेंथ चैमोमिला वन चीक इज अ रेड एंड हॉट एंड अदर इज अ पेल एंड कोल्ड. Sina वन चीक इज अ रेड एंड अदर इज अ पेल यानी कि चैमोमिला में चाइल्ड का एक चीक कैसा होता है लाल होता है और गर्म होता है और दूसरा चीक ठंडा होता है और पेल होता है और Sina में क्या होता है सिर्फ एक चीक रेड होता है और दूसरा चीक पेल होता है. मेंटल्स चैमोमिला बेबी इज अ वेरी इरिटेबल फ्रेटफुल पिविश अनसिविल कैन नॉट रिटर्न सिविल आंसर क्रॉस स्नैपिश स्पाइटफुल एंड इम्पेशेंट. जो भी चैमोमिला पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा इरिटेबल होते हैं चिड़चिड़े होते हैं फ्रेटफुल यानी कि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं बहुत जल्दी बात दिल को लगा लेते हैं. पीविश का मतलब होता है जिद्दी होते हैं. अनसिविल कैन नॉट रिटर्न सिविल आंसर यानी कि बहुत ज़्यादा अनसिविल होते हैं सीधे से जवाब नहीं देते कभी भी. क्रॉस होते हैं स्नैपिश होते हैं. स्नैपिश का मतलब होता है एक टाइप के रिवेंजफुल होते हैं अगर उनको बोला जाए कि ये बात नहीं करनी है तो वो और ज्यादा करेंगे इस तरह से. Sina बेबी इज अ हाईली इरिटेबल पीविश वेरी क्रॉस एंड इल ह्यूमर्ड. बच्चे कैसे होते हैं इरिटेबल होते हैं पीविश होते हैं और बहुत ज्यादा क्रॉस होते हैं इल ह्यूमर्ड होते हैं. मैंने पहले वाले वीडियोस में Sina और चैमोमिला रेमेडीज डिटेल में एक्सप्लेन की है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. अगर आप रेमेडी डिटेल में देखना चाहते हो तो जाकर चेक कर सकते हो. इट वॉन्ट मेनी थिंग बट वेन ऑफर रिफ्यूजेस ऑल ऑफ देम. ये दोनों भी पॉइंट सेम है दोनों भी रेमेडी में ये पॉइंट सेम है. वो बच्चों को
बहुत सारी चीजों का डिजायर होता है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, बट उन्हें ऑफर करते हैं या दे देते हैं तो उसे वो नहीं लेते या रिफ्यूज कर देते हैं। नाइन्थ पॉइंट है पीटियस मॉर्निंग ऑफ चाइल्ड ऑल द टाइम बिकॉज ही कैन नॉट गेट व्हाट ही वांट्स। पीटियस मॉर्निंग का मतलब है भन भन करते रहेंगे, कंटिन्यूसली रोते रहेंगे, उनका रोना चालू ही रहेगा कि मुझे ये चाहिए था ये आप दिला दो। सीना बेबी स्टार्ट स्क्रीमिंग ड्यूरिंग द स्लीप एंड वीप्स पिटीफुली आफ्टर द वेकिंग अप। यानी कि सीना जो बच्चे होते हैं जब सोते हैं तो नींद के दौरान जोर जोर से चिल्लाते हैं और जब उठने के बाद भी वो बहुत जोर से रोते हैं। टेंथ पॉइंट चैमोमिला विनिंग रेसलेसनेस क्वाइट ओनली व्हेन कैरीड ऑल द सिम्टम्स आर रिलीव बाय कैरिंग। विनिंग रेसलेसनेस का मतलब होता है डॉग्स बार्क की तरह या कुत्ते जैसे भौंकते हैं उस तरह चाइल्ड बहुत जोर जोर से रोते हैं और उन्हें जब कैरी करते हैं घुमा लेते हैं तभी वह चुप हो जाते हैं। यानी कि ऑल द सिम्टम्स आर रिलीव बाय कैरिंग, बट सीना में ऐसा नहीं है। सीना में क्या है, इवन कैरिंग डज नॉट गिव एनी रिलीफ टू द पेशेंट। बच्चे अगर रोते हैं चिल्लाते हैं तो उन्हें घुमा भी लेते हैं तभी वो चुप नहीं होते, शांत नहीं होते। इलेवेंथ पॉइंट चैमोमिला चाइल्ड कैन नॉट बियर एनी वन नियर हिम कैन नॉट बियर टू बी स्पोकन। यानी कि ये बच्चे जो होते उन्हें कोई अपने पास आए ये बर्दाश्त नहीं होता और उनसे कोई बात करे ये भी बर्दाश्त नहीं होता। सीना चाइल्ड कैन नॉट बियर एनी वन टू कम नियर हिम कैन नॉट बियर टू बी टच और लुक एट। यानी कि जो चाइल्ड है उसके कोई पास आए उससे वो बर्दाश्त नहीं होता, जैसे कि हमने चैमोमिला में देखा। ये पॉइंट दोनों में सेम है, बट दूसरा पॉइंट है सीना में उन्हें कि उन्हें कोई देखे या उन्हें टच करे वो सीना बेबी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, जैसे कि हमने चैमोमिला में देखा उनसे कोई बात करे तो पसंद नहीं आता। वैसे सीना में क्या है, उनसे उन्हें कोई टच करे या उन्हें कोई देखे भी तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। ट्वेल्थ पॉइंट चैमोमिला द एक्सलेंट निकनेम फॉर द चैमोमिला कैन नॉट बियर इट कैन नॉट बियर हिमसेल्फ कैन नॉट बियर अदर्स कैन नॉट बियर पेन कैन नॉट बियर एनीथिंग एवरीथिंग इज सिंपली इंटॉलरेबल। यानी कि चैमोमिला को क्या कहा जाता है, निकनेम क्या है चैमोमिला का, कैन नॉट बियर इट, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। कैन नॉट बियर हिमसेल्फ मतलब वो खुद को भी बेयर कर नहीं पाते। कैन नॉट बियर अदर्स दूसरों को भी बर्दाश्त कर नहीं पाते, जैसे कि हमने देखा कि चाइल्ड को कोई उनके पास आए कोई उनसे बात करे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए कैन नॉट वेयर अदर्स कैन नॉट वेयर पेन उन्हें पेन भी बर्दाश्त नहीं होता, बहुत ज़्यादा इनटॉलरेबल पेन होता है उनका, बर्दाश्त से बाहर होता है। कैन नॉट वेयर एनीथिंग एवरीथिंग इज सिंपली इनटॉलरेबल, यानी कि उन्हें कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता, उनके लिए हर एक थिंग हर एक चीज़ इनटॉलरेबल होती है, इसलिए चैमोमिला को क्या कहा जाता है, कैन नॉट वेयर इट। अब सीना का देखते हैं। अ मार्क फीचर रनिंग थ्रू द सीना इज टचिनेस मेंटली एंड फिजिकली। यानी कि सीना का टचिनेस होता है, मेंटली भी होता है और फिजिकली भी टचिनेस होता है। मेंटल टचिनेस मैनिफेस्टेड बाय द इरिटेबिलिटी। मेंटल टचिनेस कैसा होता है, इरिटेबिलिटी होती है। मेंटल टचिनेस यानी इरिटेबिलिटी, जैसे कि कोई उनके पास आए उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, कोई उन्हें टच करे बर्दाश्त नहीं होता, कोई उन्हें देखे ये भी बर्दाश्त नहीं होता, तो क्या हुआ, मेंटल टचिनेस। वेयर एज फिजिकल टचिनेस मार्क बाय द सेंसिटिवनेस ऑफ द स्किन ऑफ स्काल्प हैंड एंड फीट। फिजिकल टचिनेस कैसा होता है, उनकी जो स्किन होती है स्काल्प की हैंड्स की और फीट की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 13 चैमोमिला एंगर कॉजेस मेनी ऑफ द डिसीज सच एज अ डायरिया कन्वर्जन चील एंड फीवर। चैमोमिला में क्या होता है, एंगर की वजह से उन्हें बहुत सारे डिसीजेस को डील करना पड़ता है, जैसे कि डायरिया हुआ कन्वर्जन हुआ चील हुआ फीवर हुआ। ऐसा सीना में क्या है, वर्म इरिटेशन कॉजेस ऑल दी कंप्लेंट सच एज अ डायरिया कोली कन्वर्जन एंड कफ। जो भी सिम्टम्स होते हैं वो वर्म इरिटेशन की वजह से होते हैं, जैसे डायरिया हुआ कोलिक हो गया कन्वर्जन हुआ कफ हुआ, तो ये डिफरेंस है। चैमोमिला में किस वजह से सिम्टम्स होते हैं, एंगर की वजह से, और सीना में किस वजह से सिम्टम होते हैं, वो इरिटेशन की वजह से। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सिम्टम है। 14th पॉइंट है चैमोमिला कन्वर्जन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम नर्सिंग आफ्टर फिट्स ऑफ एंगर इन मदर। चिल्ड्रन को कन्वर्जन होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें कन्वर्जन होते हैं अगर मदर जो है वो नर्सिंग कर रही है बेबी को और उसमें एंगर है गुस्सा है तो बच्चों को क्या होते हैं, कन्वर्जन्स होते हैं।
ड्यू टू द इरिटेशन फ्रॉम द वर्म्स चाइल्ड में गेट अटैक ऑफ द कन्वल्जेंस स्पेशली ड्यूरिंग द स्लीप। इसका मतलब क्या है, वर्म इरिटेशन की वजह से चाइल्ड को क्या होते हैं, कन्वल्जन होते हैं जब वो सोते हैं तब। कन्वल्जन किसकी वजह से होते हैं, एंगर की वजह से, और सिनामी किस वजह से होते हैं, वर्म की वजह से। 15 पॉइंट चैमोमिला हेड थ्रोबिंग हेड एक इन वन हाफ ऑफ द ब्रेन इंक्लाइन टू बेंड हेड बैकवर्ड। यानी कि चैमोमिला को थ्रोबिंग टाइप का हेडेक होता है, इंक्लाइन टू बेंड हेड बैकवर्ड, और उसकी वजह से पेशेंट क्या करते हैं, हेड को बैकवर्ड की तरफ इंक्लाइन कर देते हैं। हेडेक अल्टरनेटिंग विद अ पेन इन एब्डोमेन, यानी कि जो भी हेडेक होता है वो किस वजह से होता है, जो एब्डोमेन में पेन होता है पेशेंट के, इसलिए हेडेक होता है। रिलीव बाय स्टूपिंग, और वो सामने की ओर झुकने से बेटर लगता है वो पेशेंट को। ये दोनों में ये डिफरेंस है। चैमोमिला में क्या है, पेशेंट क्या करते हैं, हेड को बैकवर्डली बेंड कर देते हैं, और सीना में क्या है, पेशेंट स्टूपिंग करते हैं यानी कि फॉरवर्ड यानी कि सामने की ओर झुकते हैं। 16 पॉइंट चैमोमिला ईयर्स रिंगिंग इन ईयर्स ईयर एक विद सोरनेस स्वेलिंग एंड हीट ड्राइविंग पेशेंट फ्रेंटिंग। यानी कि उनके हेड में रिंगिंग जैसा साउंड आता है, ईयर एक विद सोरनेस, बहुत ज़्यादा ईयर्स सोर हो जाता है, और ईयर्स में हीट होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, और उसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा फ्रेंटिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसे इनटॉलरेबल पेन हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। सीना ईयर्स डिगिंग एंड स्क्रैचिंग इन द ईयर्स, डिगिंग एंड स्क्रैचिंग यानी कि जो भी सीना पेशेंट है ईयर्स में उंगली डालते हैं और खुजा देते हैं क्योंकि इचिंग होती है ईयर्स। 17 पॉइंट चैमोमिला नोज सेंसिटिव टू द ऑल स्मेल एंड कोराइजा। मतलब चैमोमिला चिल्ड्रंस का या चैमोमिला पेशेंट का नोज कैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है हर तरह की स्मेल के लिए। कोराइजा, कोराइजा का मतलब होता है उन्हें कोल्ड बहुत जल्दी से होती है, जैसे ही ओपन ईयर में जाते हैं उन्हें कोराइजा हो जाते हैं। सीना पेशेंट का नोज कैसा होता है, इचिंग ऑफ नोज ऑल द टाइम वॉन्ट्स टू रब इट एंड पिक एट इट। मतलब उनके नोज में कंटिन्यूसली इचिंग होती है। इचिंग क्यों होती है, वर्म की वजह से इचिंग होती है, वर्म इरिटेशन की वजह से उनके नोज में कंटिन्यूस इचिंग होती है। फिर वो क्या करते हैं, नोज को रब करते हैं और पिक करते हैं, यानी कि नोज में उंगली डाल के उसे रब करते हैं। और जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो मम्मा के शोल्डर के अगेंस्ट या कोई भी पिलो के अगेंस्ट नोज को रब करते हैं। 18 पॉइंट चैमोमिला माउथ टू टेक इफ एनीथिंग वार्म इज टेकन फ्रॉम कॉफी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। चैमोमिला पेशेंट को टूथेक होता है अगर कोई भी गर्म चीज़ वो ले लेते हैं, जैसे कि कॉफ़ी हुआ, और जो भी टूथेक होता है प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग, उसके लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन है। और टूथ एक कुछ भी गर्म खाने से होता है तो उसके लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन है। सीना ग्राइंडिंग ऑफ टीथ ड्यूरिंग द स्लीप। सीना पेशेंट क्या करते हैं या सीना बेबीज क्या करते हैं, जब वो सोते हैं तो अपने टीथ को ग्राइंड करते हैं, चबाते हैं। 19 पॉइंट स्टमक चैमोमिला टंग इज अ येलो। चैमोमिला पेशेंट की टंग कैसी होती है, येलो। सीना टंग इज अ क्लीन। सीना पेशेंट की टंग कैसी होती है, क्लीन होती है। 20 पॉइंट चैमोमिला नोशिया आफ्टर कॉफी एसिड राइजिंग रिगर्जिटेशन ऑफ द फूड बिटर बिलियस ओमेटिंग। यानी कि चैमोमिला पेशेंट को कॉफ़ी लेने के बाद नोशिया होता है, एसिड राइजिंग रिगर्जिटेशन ऑफ फूड। रिगर्जिटेशन ऑफ फूड यानी कि फूड का थ्रोट की तरफ वापस आ जाता है, एसिड, ये एसिडिटी की वजह से होता है। और क्या होता है, बिटर बिलियस ओमेटिंग, बहुत ज़्यादा बिटर और बिलियस वोमिटिंग। बिलियस का मतलब होता है जो बाइल होता है, वो बाइल की वोमिटिंग होती है। सीना वोमिटिंग एंड डायरिया इमिजिएटली आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग विद अ क्लीन टंग। सीना पेशेंट को अगर कुछ खा लेते हैं या पी लेते हैं तो इमिजिएटली उन्हें वोमिटिंग होती है या डायरिया होता है, बट उनकी टंग कैसी होती है, क्लीन होती है। चैमोमिला पेशेंट की टंग कैसी होती है, येलो होती है। 21 पॉइंट चैमोमिला प्रेसिव गैस्ट्रल्जिया फ्रॉम द स्टोन। गैस्ट्रल्जिया मतलब जो भी स्टोन होता है उसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, नौशिया, वोमिटिंग, और जो क्रैम्प्स होते हैं एब्डोमेन में वो होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, ऐसे सब सिम्टम्स आ जाते हैं एब्डोमेन में। टाइटिंग होती है, बिल्चिंग होती है, बहुत ज़्यादा बिटर इरेक्टेशन होता है, फॉल इरेक्टेशन होता है, ये जो भी सिम्टम्स होते हैं वो स्टोन की वजह से होते हैं, इससे कहते हैं प्रेसिव गैस्ट्रल्जिया।
सीना गेट्स हंग्री सून आफ्टर अ फुल मील डिगिंग एंड गनोइंग सेंसेशन। ये जो सीना पेशेंट होते हैं अगर वो फुल खाना खा भी लेते हैं पेट भरकर खाना खाने के बाद भी उन्हें 5-10 मिनट बाद भूख लगती है और वो भी बहुत तेज लगती है। डिगिंग एंड गनोइंग सेंसेशन, डिगिंग एंड गनोइंग सेंसेशन का मतलब होता है खुदाई जैसा सेंसेशन होता है। गनोइंग का मतलब होता है ऐसा कोई जैसे कि कोई चबा रहा है काट रहा है ऐसा सेंसेशन उन्हें होता है। ये क्यों होता है ऐसा सेंसेशन? वर्म की वजह से, वर्म इरिटेशन की वजह से ये सेंसेशन पेशेंट को होते हैं। चैमोमिला में गैस्ट्रोलजिया क्यों होता है? स्टोन की वजह से। और सीना में सेंसेशन क्यों होते हैं? वर्म इरिटेशन की वजह से। 22nd पॉइंट है चैमोमिला का, एवर्जन टू द वार्म ड्रिंक्स, यानी कि वार्म ड्रिंक्स का पेशेंट को एवर्जन होता है, उन्हें वो पसंद नहीं आता। सीना डिज़ायर्स इनडाइजेस्टेबल थिंग्स, क्रेविंग फॉर स्वीट्स, एवर्जन टू मदर्स मिल्क, यानी कि उन्हें इनडाइजेस्टेबल थिंग्स का डिज़ायर होता है, स्वीट की क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा स्वीट्स उन्हें पसंद आते हैं, और मदर्स मिल्क का एवर्जन होता है, उन्हें इनडाइजेस्टेबल थिंग्स का क्रेविंग होता है, जैसे कि मर्ड है, सॉइल है, क्ले चिप्स है, स्टोन चिप्स है, उसकी वजह से उन्हें क्या होता है? वर्म इरिटेशन की तकलीफ होती है। 23rd पॉइंट है चैमोमिला का, एब्डोमेन डिस्टेंडेड ग्रिपिंग इन द रीजन ऑफ द नेवल, फ्लैटुलेंट कोलिक आफ्टर द एंगर। चैमोमिला पेशेंट का एब्डोमेन कैसे होता है? डिस्टेंडेड होता है और उनकी नेवल के अराउंड उन्हें कैसा पेन होता है? ग्रिपिंग पेन होता है। ग्रिपिंग का मतलब है जैसे कोई पकड़ लिया हो, इस तरह से उन्हें नेवल के अराउंड पेन होता है। फ्लैटुलेंट कोलिक आफ्टर एंगर, एंगर की वजह से उन्हें कैसा कोलिक होता है? फ्लैटुलेंट कोलिक, फ्लैटुलेंट का मतलब होता है गैस की वजह से जो कोलिक होता है, गैस की वजह से जो एब्डोमिनल पेन होता है उसे फ्लैटुलेंट कोलिक कहते हैं। सीना एब्डोमेन डिस्टेंडेड ब्लोटेड एंड हार्ट, सीना पेशेंट का एब्डोमेन कैसा होता है? डिस्टेंडेड होता है। ब्लोटेड का मतलब होता है कि भरा भरा हुआ सा, यानी कि फुल फीलिंग होती है और हार्ड होता है। यह सब क्यों होता है? वर्म ट्रबल की वजह से। ट्विस्टिंग पेन अबाउट द नेवल, नेवल के अराउंड पेशेंट को पेन कैसा होता है? ट्विस्टिंग, यानी कि ट्विस्ट कर लिया हो, मरोड़ लिया हो, इस तरह से नेवल के अराउंड पेशेंट को पेन होता है। पेशेंट वॉन्ट्स टू लाई ऑन एब्डोमेन, पेशेंट को एब्डोमेन पे सोने में अच्छा लगता है। हमने देखा चैमोमिला का पेन कैसा होता है? ग्रिपिंग पेन होता है नेवल के रीजन में। और सीना का पेन कैसा होता है? नेवल के रीजन में ट्विस्टिंग पेन होता है, मरोड़ लिया जैसा पेन होता है। 24th पॉइंट चैमोमिला स्टूल, हॉट ग्रीन वॉटरी ऑफेंसिव स्लीमी विद अ कोलिक, चॉप वाइट एंड येलो म्यूकस लाइक चॉप एग स्पिनेश, सोरनेस ऑफ एनस, हेमोरॉइड्स विद अ फिशर। इस टाइप की चैमोमिला की स्टूल होती है। सीना स्टूल व्हाइट म्यूकस लाइक स्मॉल पीसेस ऑफ पॉपकॉर्न प्रेसिडेड बाय पिंचिंग कोलिक क्रैम्पी स्पैज्मोडिक पेन विथ इचिंग ऑफ एनस। चैमोमिला में क्या होता है? एनस में सोरनेस होती है, हीमोरॉइड्स होते हैं और फिशर्स भी होते हैं। और सीना में क्या होता है? एनस में ईचिंग होती है वर्म इरिटेशन की वजह से। 25th पॉइंट है चैमोमिला का, रेस्पिरेटरी टिंकलिंग कफ ड्यू टू ओपन ईयर। चैमोमिला पेशेंट को टिंकलिंग का मतलब होता है थ्रोट में गुदगुदी जैसा सेंसेशन होता है और वो जो कफ है ओपन ईयर की वजह से होता है। सीना रेस्पिरेटरी गैजिंग कफ ड्यू टू वर्म इरिटेशन, सीना पेशेंट को कैसा कफ होता है? गैजिंग कफ होता है। ये क्यों होता है? वर्म इरिटेशन की वजह से होता है। गैजिंग का मतलब होता है थ्रोट तक आ जाना, थ्रोट में प्लग जमा होना, और उसकी वजह से जो कफ होता है उसे कहते हैं गैजिंग। गैजिंग का मतलब होता है प्लग जमा होना थ्रोट में या क्लॉग जमा होना रेस्पिरेटरी पैसेज में, उसकी वजह से जो कफ होता है उसे कहते हैं गैजिंग कफ। उसकी वजह से घर घर ऐसी आवाज भी आती है। तो ये गैजिंग कफ कब होता है? वर्म इरिटेशन की वजह से, जब वर्म्स इंटेस्टाइन से लंग्स तक पहुंच जाते हैं और लार्वी स्टेज में पहुंच जाते हैं और बाकी के एयरवेज में और थ्रोट तक भी पहुंच जाते हैं, तो उनकी वजह से कफ होता है, तो उसे कहते हैं गैजिंग कफ। 26th पॉइंट है चैमोमिला का स्लीप, ड्राउजीनेस विद अ मॉर्निंग वीपिंग एंड वेलिंग ड्यूरिंग द स्लीप, फ्राइटेंड ड्रिप्स। स्लीप के दौरान वो चैमोमिला जो पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा ड्राउजी हो जाते हैं, मॉर्निंग यानी कि भनभन करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा रोते रहते हैं और चिड़चिड़ करते रहते हैं नींद आने पर भी, और नींद में भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं और वो डरावने सपने देखते हैं, फ्राइटन ड्रीम्स यानी डरावने सपने देखते हैं। सीना स्लीप लाइज ऑन नी एल्बो पोजिशन ऑन एब्डोमेन, ग्राइट्स टीथ, क्राइज स्क्रीमिंग एंड टॉक्स इन स्लीप
वेक्स प्राइटन एंड पासिस यूरिन इन स्लीप। जो भी सीना पेशेंट होते हैं वो नी एल्बो पोजीशन में लाई करते हैं और जब वो सोते हैं वो तो उन्हें एब्डोमेन में सोना अच्छा लगता है। ड्यूरिंग स्लीपिंग ये जो चाइल्ड होते हैं या ये जो बच्चे होते हैं वो जोर से चिल्लाते हैं, रोते हैं और बातें भी करते हैं नींद में। वेक्स फ्राइटन और डरकर उड़ जाते हैं और नींद में भी कभी कभी यूरिन पास कर लेते हैं। उन्हें नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस होता है। 27 पॉइंट है चैमोमिला का मोडालिटीज। एग्रीवेशन यानी कि उनकी कंप्लेंट्स किस चीज़ से बढ़ जाती है, फ्रॉम हीट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चैमोमिला की कंप्लेंट्स हीट से बढ़ जाती है क्योंकि वो हॉट पेशेंट होते हैं। ओपन ईयर से उनकी तकलीफ जो है बढ़ जाती है। विंड से बढ़ जाती है। नाइट में बढ़ जाती है। और एंगर की वजह से यानी कि गुस्से की वजह से उनकी तकलीफ बढ़ जाती है। ओपन ईयर का उन्हें डिजायर होता है पर उनके सिम्टम्स उससे बढ़ जाते हैं या सिम्टम्स आ जाते हैं। एमिलियोरेशन, चैमोमिला के सिम्टम्स किस चीज़ से एमिलियोरेट होते हैं। बीइंग कैरिड यानी कि उन्हें घुमाते हैं, जब उन्हें गोद में लेकर घुमाते हैं उससे उनके सिम्टम्स कम होते हैं। वार्म वेट वेदर में उनके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। मोडालिटीज, सीना की मोडालिटीज देखते हैं। एग्रीवेशन फ्रॉम वर्म्स यानी कि वर्म्स की वजह से उन्हें एग्रीवेशन होता है। एट नाइट इन समर एंड टेकिंग स्वीट्स, समर में उनके जो सिम्टम्स है वो एग्रीवेट होते हैं, नाइट में भी एग्रीवेट हो जाते हैं। और टेकिंग स्वीट्स यानी कि स्वीट लेने की वजह से, अगर वर्म ट्रबल है तो स्वीट लेने की वजह से उनके सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाते हैं। एमिलियोरेशन किस चीज़ से होता है, बाय लाइंग ऑन एब्डोमेन। अगर वो पेशेंट एब्डोमेन पर लाई करते हैं, एब्डोमेन पर सो जाते हैं तो उससे उनके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। सिमिलैरिटीज, अब तक पढ़ चुके हैं डिसिमिलर पॉइंट्स, अब देखते हैं सीना और चैमोमिला में कौन सी सिमिलैरिटीज है। फर्स्ट है, बोथ आर प्रीडोमिनेंटली चिल्ड्रंस रेमेडी, यानी कि दोनों भी जो है चिल्ड्रंस रेमेडी है, जो भी छोटे बच्चे हैं उनमें काम आती है। सेकेंड पॉइंट है, बोथ बिलोंग्स टू फैमिली कंपोजिटी, दोनों की फैमिली सेम है कंपोजिटी। थर्ड पॉइंट है, बोथ हैव अ इरिटेबल टेम्परामेंट, यानी कि दोनों का भी जो टेम्परामेंट है बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, चिड़चिड़ा है। फोर्थ पॉइंट है, बोथ हैव मायाजम सोरा, दोनों भी जो रेमेडीज है उनका मायाजम सेम है, सोरा। फिफ्थ पॉइंट है, बोथ आर इरिटेबल पीविश एंड क्रॉस, दोनों की मेंटल सेम है, जैसे कि इरिटेबल है दोनों भी, पीविश है और क्रॉस है। सिक्स्थ पॉइंट है, बोथ वॉन्ट्स एंड डिजायर्स मेनी थिंग्स बट रिफ्यूजेस ऑल ऑफ देम व्हेन ऑफर्ड, यानी कि दोनों को भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ों का डिज़ायर होता है, बट उन्हें जब ऑफर कर देते हैं, जब उन्हें दे देते हैं तब वो चीज़ें नहीं लेते, उन्हें नहीं लेते, रिफ्यूज़ कर देते। सेवेंथ पॉइंट है, बोथ कैन नॉट बेयर एनीवन नियर हिम, यानी कि दोनों भी सीना और चैमोमिला को उनके पास कोई आए ये अच्छा नहीं लगता, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। तो आज हमने डिस्कस किया कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट सीना एंड चैमोमिला बेबी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।